आइए दोस्तों, द ब्रिज चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जो हमारी सीरीज चल रही है यूथ कंपटीशन बुक की, फर्स्ट वॉल्यूम का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे इस समय। जहाँ तक हम क्वेश्चन किए थे उससे आगे हम बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम टाइम न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्ट वोल्ट बराबर यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो आप जानते होंगे ये बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 वोल्ट बराबर होता है ऊर्जा बटे आवेश होता है। ओके, ऊर्जा बटे आवेश, तो ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, और आवेश की कूलम होती है। अब हमारे पास ऑप्शन में अगर ये होगा तो ये राइट हो जाएगा, या यदि ये नहीं होगा तो जूल बटे क्यू बराबर क्या होता है हमारा? आई और टी होता है। तो इसकी यूनिट रख देंगे आई की क्या? एम्पियर, और टी की सेकेंड। तो जूल पर एम्पियर सेकेंड हमारा ये भी आंसर हो सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले ये हमारा डिटेल देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास दिया है, एक वोल्ट या वोल्टेज विद्युत दाब की वह इकाई है। क्या है? एक विद्युत दाब की वह इकाई है जो किसी एक ओम के प्रतिरोध के दोनों सिरों पर लगाने पर, दोनों सिरों के ऊपर लगाएंगे, जैसा कि ये प्लस पॉइंट हो गए, ये माइनस पॉइंट है, दोनों सिरों पर लगाएंगे तो उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। कितने? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, तो उसे हम बोलेंगे 1 वोल्ट। ओके, तो वोल्टेज का फार्मूला क्या रहता? ये होता है जैसे EMA बराबर ऊर्जा बटे आवेश से जूल कूलम या वोल्ट में हम देखते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है, इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर रिमेन्स कांस्टेंट, चालक गोला के अंदर खालिस्तान हमेशा स्थिर रहता है। हमें पूछा है कि एक चालक गोला है, क्या है, जैसे ये गोला है उसके अंदर हमेशा स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है? तो आप जानते होंगे चालक गोले के अंदर फ्लक्स आ जाएगा और ई आ जाएगा और वोल्टेज आ जाएगा हमारे, है ना, और हमारे पास कूलम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये कौन से हमारे क्वेश्चन है उन्हें देखना है। तो फ्लक्स हमारा क्या रहता है? जीरो रहता है, ई भी हमारा जीरो रहता है, कूलम क्यू भी हमारा जीरो रहता है, बट हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जैसे वोल्ट, जिसे हम हिंदी में विभव बोलेंगे, वो क्या रहती हैं? एक स्थिर रहती, कॉन्स्टेंट होती हैं। ओके, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम उसको डिटेल में देखते हैं। जैसा ये हमारे पास दिया है देख लीजिए, ये हमें गोले के अंदर सभी जगह विभव का मान हमेशा समान रहता है, जबकि विद्युत तीव्रता इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान जीरो रहता है। क्या है इसका मान? इंटेंसिटी जीरो, क्यू भी जीरो, और ये हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ओके, आगे देखते हैं हम। आगे ये हमें दिया है, ये ई भी हमारा जीरो है इनसाइड। ओके, इस प्रकार से ई का मान हमारा ये फार्मूला है वोल्टेज और डी एस। ओके, हमारा ओनली वोल्टेज रहता है, विभव कांस्टेंट रहेगा। ये रहता है कंडक्टर, जैसे ये है तो ये सरफेस हो गया हमारा, ये सरफेस रहेगा, यहाँ पे विभव और यहाँ इंटर इनसाइड में यहाँ विभव सेम रहेगा, इंटरनल में और आउटर में विभव क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है, हाँ देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इट, 1 कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या है। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखना है हमें। तो देखिए, आप जानते होंगे ये पिछले पार्ट में भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, क्यू बराबर हमारे पास एनी होता है या आई टी होता है।
एक कूलम दिया हमें, क्यू बराबर कितना दिया, वन दिया है। और हम जानते हैं ई बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10^-19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब हम इसका मान एन का मान निकालना है हमें, तो एन बराबर हमने रख लिया 1 कूलम बटे 1.6 इंटू 10^-19। अब हम 1 से 1 कैंसिल कर दिए, काट दिए, अब हमारे पास ये बचा इतना पोर्शन। यदि ये माइनस में है ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 10^19 हो जाएगा ये। ओके, अब हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन दिख रहा है सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह हमारे पास दिया है, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किए जाने पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा कूलम होते हैं। क्या होते हैं, आवेश की मात्रा कूलम होते हैं। क्यू बराबर एनी होता है। ओके, और ई का मान हमारे पास क्या रहेगा, 1.6 इंटू 10^-19। अब हमें एन का मान निकालना है, एन निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, तो क्यू का मान 1 है और ई का मान हमने मान रखा 1 से 1, कैंसिल कर दिए, पॉइंट में ये बचेगा तो ये ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी। ओके, कितने, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0.6 इंटू 10^19। यह इसको 6.625 भी आगे लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम करते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज, क्या पूछा है, वैक्यूम की विद्युतशीलता है, तो हमें वैक्यूम की विद्युतशीलता देखना है। विद्युतशीलता वैक्यूम की कितनी रहती है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे इसको हम याद ही रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में एप्साइलन 0 से इसे प्रदर्शित करते हैं, इसका मान रहता है हमारे पास 8.854 इंटू 10^-12, इसकी यूनिट होते हैं फेरड पर मीटर होते हैं। ओके, और एप्साइलन बराबर होता है एप्साइलन 0 एप्साइलन आर के बराबर रहता है, आप ये भी याद रखें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास है। ओके, वायु की विद्युतशीलता ईयर रहता, ईयर में विद्युतशीलता क्या होती है, 1 होती है, अर्थात निर्यात की विद्युतशीलता, निर्यात जैसे निर्यात किसको बोलेंगे, वैक्यूम को बोलेंगे, वैक्यूम की विद्युतशीलता 8.856 इंटू 10^-12 फेरड पर मीटर रहेगा। ओके, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, कौन सा है, बी वाला आंसर हमारा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ए सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ए रेडियस आर एंड हैज ए टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट, क्या है, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली एक समान इन इट्स वॉल्यूम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए डिस्टेंस आर इनसाइड द स्फीयर। ओके, क्या पूछा है हमें, एक ठोस गोला, जैसे एक गोला है, एक ठोस है जिसकी त्रिज्या आर है। ओके, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, इंसुलेटिंग पदार्थ से बना, किससे बना है, इंसुलेटिंग पदार्थ,
इसमें आयतन संपूर्ण आवेश क्यू है, संपूर्ण आवेश जो आयतन है वो क्यू है, एक समान रूप से वितरित है। कैसा है? एक समान रूप से ये वितरित है। गोले के अंदर आर ये दूरी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिणाम होगा। क्या होगा? ये एक फार्मूला है, इसको आप याद रखें, विद्युत क्षेत्र का परिणाम होगा। तो इसका आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसका डिटेल में। ये हमारे पास है इसका सॉल्यूशन, ये एक फार्मूला है केवल। अब एक ये फार्मूला याद रख लीजिए, ये गॉस के नियम आप याद रख लीजिए, और ये इस फार्मूले के द्वारा हमें आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा हमें, ये वाला। ओके, तो आप इसको याद रख लीजिए। ये कोल इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रिकल में पूछा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए डिस्टेंस पॉइंट डू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द ओरिजन इट इज 100 माइक्रोवोल्ट मीटर इफ द पॉइंट इज सो इनक्लोज्ड बाय ए परफेक्टली कंडक्टिंग शीट स्फीयर एट द पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर बिकॉज एक स्रोत पर पॉइंट आवेश प्लस क्यू के कारण दूर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 100 माइक्रोवोल्ट मीटर है। यदि यह बिंदु अब गोले के बाहर किसी बिंदु पी पर, क्या है, गोले के बाहर किसी बिंदु पी पर पूरी तरह से धातु सीट गोले से बंद कर दिया जाए तो होगा, क्या है, पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हमें क्या पूछा है, ये इनसाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा। ओके, तो हम एक बंद सतह है उसके अंदर गॉस के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वो क्या रहता है, जीरो होता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है। ओके, क्या है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू धातु क्षेत्र की सतह पर एक चार्ज माइनस प्रेरित करेगा। ओके, गॉस के नियम अनुसार एक बंद सतह के मध्य से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल चार्ज डेट हैज एंट्रेड सर्किट एलिमेंट्स इज क्यू टी इज इक्वल टू 0.50 कोस्ट ऑफ 1 माइनस ई माइनस 5 टी व्हेन टी ग्रेटर देन एंड क्यू टी इज इक्वल टू 0 व्हेन टी स्मॉल देन 0। डिटरमाइन द करंट इन दिस सर्किट एलिमेंट फॉर ग्रेटर देन 0। 0 से ज़्यादा के लिए हमें फाइंड आउट करना, क्या है हिंदी में, अर्थात जब टी छोटा है 0 से तब परिपथ तत्व से पूर्ण आवेश क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा, प्रवेश करता है, और 0 से बड़ा होने के लिए परिपथ में धारा को ज्ञात कीजिए 0 से बड़ा होने के लिए। तो हम जानते हैं कि यदि टी हमारे पास ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू टी बराबर होगा 0.50 कोष्टक 1 माइनस ई माइनस 5 टी है। ओके,
यदि हमारे पास रहेगा टी क्या रहेगा, जीरो से छोटा रहेगा, तो हमारा क्यू टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आई बराबर डी क्यू बटे डी टी होता है। ओके, अब मैं इसको मिटा देता हूँ आगे के लिए। अगर हम आई बराबर जानते हैं डी क्यू बटे डी टी, तो क्यू बराबर इस फॉर्म में यदि दिया है तो क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी बटे डी टी कोष्टक में क्यू का मान लिख रहे हैं, क्यू टी का मान 0.50 कोष्टक 1 माइनस ई माइनस 5t। ओके, यह हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो ये सामने ले आएंगे, 0.50 डी बटे डी टी हो जाएगा और 1 माइनस ई माइनस 5t। इसका सॉल्यूशन करेंगे आगे हम, तो हमारा 0.5 बटे डी टी ई माइनस 5t हो जाएगा ये। ओके, और इसको आगे हल करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 2.5 × e − 5t। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा एम्पियर में। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कहाँ दिया है, बी वाला आंसर ये दिया हमने। ओके, ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी ये हमें दिया है, देख लीजिए, जैसे कि ग्रेटर देन जीरो होने पे हमारे पास क्यू टी का मान ये रहेगा, स्मॉल देन जीरो रहेगा, जीरो से कम रहेगा, तो इस कंडीशन में हमारा क्यू टी का मान जीरो हो जाएगा। धारा क्या रहती है, क्यू डी डी क्यू बटे डी टी रहेगी, और क्यू का मान हमने यहाँ रखा तो ये हमारा आ गया। ओके, अब इसको हल करने पे हमारा ये प्रोसेस आई, आगे हम ये आंसर तक पहुँचे। ओके, अब इसको हल कीजिए, कम से कम एक दो बार करेंगे तो आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, रिपीट करके समझ सकते हैं आप इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम अभी। जैसे जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालक क्या अनुभव करेगा। क्या बोल रहा है, दो समांतर में धारा ले जाने वाले एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, कैसा है, एक कंडक्टर ये है, एक ये है। ओके, समीप में है, ये आसपास में है, तो ये एक दिशा में, इस दिशा में ये करंट ले जा रहे हैं। ओके, तो ये किस प्रकार रिपल्शन करेगा, अट्रैक्शन करेगा, या उनके बीच में कोई बल नहीं होगा, ये देखना है हमें। तो आप जानते होंगे कि यदि वो समान दिशा में ले जाते हैं तो वो किस तरफ, उसका फ्लक्स ऐसा रहेगा। ओके, ऐसा इस तरह से वो घूमेगा, तो इधर की साइड N और S हो जाएगा, ऐसा कि ऐसा इसका भी रहेगा, इधर से घूमेगा तो ये इधर N और S हो जाएगा, तो ये S और N है जो विपरीत रहता है तो वो क्या रहता है, एक अट्रैक्ट करेगा वो आपस में। अगर वो विपरीत में ले जाता, जब ये दो कंडक्टर हैं, एक इधर की साइड ले जाता और एक अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता, तो क्या हो जाता, ये इधर N और इधर S हो जाता, और ऐसा कैसे ये अपोजिट होता, S और N हो जाता, तो ये दोनों सेम हो जाते, सेम क्या करते हैं, रिपल करते एक दूसरे को, तो वो प्रतिकर्षित होते हैं। तो हमें पूछा है समान दिशा में ले जाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर हम कुछ इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे, कि दोनों के बीच में ये कंडक्टर दो है, उनके बीच में दूरी डी लेते हैं और करंट आई वन और आई टू हमारा ये जा रहा है, इनकी लंबाई एल मान लेते हैं, तो वो क्या रहेगा हमारा, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स रहेगा वो 2 × 10⁻⁷ हो जाएगी, आई वन आई टू एल बटे डी हो जाता है। ओके, ये न्यूटन में रहेगा, ये भी फार्मूला आप याद रख लीजिए इसके बेस पे।
न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, यदि डीप पेपर बनता है थोड़ा हार्ड तो पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अभी अब हम उसको हल करते हैं। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निर्धारित करता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या निर्धारित करता है, तो हमें ऑप्शन देखते हैं इसमें। मैग्नेटिक चार्ज, चुंबक के आवेश, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ ये हो सकता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को क्या कहते हैं, हम करंट कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन, जैसे कि I बराबर क्या होता है, dQ/dt रहता है। ओके, मतलब आवेश के प्रवाह या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, ओके, वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास इसकी थ्योरी है, क्या है, किसी भी बिजली के परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का गठन एक विद्युत प्रवाह बनता है। धारा बराबर क्या रहेगा, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को कहेंगे। ओके, ये एक फार्मूला आप याद रखें। आई का मान एम यूनिट क्या रहता है, कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर, दो। ओके, ये यूनिट भी बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। क्या है, आई बराबर एम्पियर यूनिट हो गया या कूलाम पर सेकेंड हो गया। ओके, ये आप याद रख लीजिए, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछता है। क्यू बराबर हम ये रख सकते, एनी भी रख सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द लॉ यूज टू डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब भी हमें इस क्वेश्चन को कर रखा है, अर्थात दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम, ज्ञात करने वाला नियम है ना, इसके बारे में अभी हम पढ़े, और अब ये नियम किसके अकॉर्डिंग आता है, तो आप जानते होंगे ये नियम आता है हमारा बायस सर्वेट नियम के अकॉर्डिंग, बायस सर्वेट नियम के अकॉर्डिंग आता है। ओके, लेंज लॉ भी आप जानते होंगे, ये किसी भी उत्पन्न होने के कारण का विरोध करता है। जूल का नियम और फेराडे का नियम, जो कि हम ट्रांसफार्मर में या फिर जनरेटर में ये नियम काम करता है। ओके, अब दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, 2×10^-7 I1 I2 L/d रहेगा। ओके, ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। यदि वो दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यदि वो विपरीत डायरेक्शन में जैसे इधर जा रहा है तो वो क्या करेगा, रिपल करेगा। ओके, ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। जैसे ये थ्योरी दी है, इसमें दो धारावाही चालों के मध्य लगने वाले बल बायो सर्वट नियम से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, इसके नियम से, बायो सर्वट नियम के अकॉर्डिंग, यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा समान है तो लगने वाला बल आकर्षण प्रारूप का होता है, और यदि दोनों चालकों में बहने वाली धारा की दिशा विपरीत है तो क्या रहेगा, लगने वाला बल की दिशा विपरीत होगी। ओके, दो धारावाही चालों के मध्य लगने वाला बल यह होगा, या फिर इसको हम यदि इसका मान रख के अगर काटते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ये वाला, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, इनका मान यहाँ रख लेंगे तो ये हमारा ए बराबर हो जाएगा 2×10^-7 I1 I2 D रहेगा, ये इसके साथ लिख लेना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज,
विद्युतशीलता की इकाई है। विद्युतशीलता की इकाई क्या हो गई, हम इसको प्रदर्शित करते हैं इससे म्यू से एप्साइलन से प्रदर्शित करते हैं। एप्साइलन बराबर होता है एप्साइलन जीरो एप्साइलन आर होता है। ओके, अब इसका मान क्या रहता है, 8.854 इंटू 10^-12 फेराड पर मीटर होता है। तो इसकी यूनिट क्या है, फेराड पर मीटर हो गए। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। यह हमारे सामने इसकी थ्योरी दी है, क्या है, विद्युतशीलता की इकाई फेराड पर मीटर है और यह है कांस्टेंट के बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन जीरो, जबकि एप्सिलॉन जीरो मुक्त विद्युतशीलता है। इसका मान क्या रहेगा, 8.854 इंटू 10^-12 फेराड पर मीटर। विद्युत की निरपेक्ष विद्युतशीलता, मध्यम की ये निरपेक्ष विद्युतशीलता रहेगी और ये क्या है, विद्युत मध्यम की विद्युतशीलता मुक्त अंतराल में सापेक्ष रहेगी। ओके, आगे ये है जो मैं अभी बताया आपको फार्मूला, ये वाला। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी, व्हाट डज द रीजन अराउंड द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हैच, स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा, चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा। देखो, स्थैतिक विद्युत और गतिशील विद्युत रहेगा, दो प्रकार रहेगा हमारे पास। तो स्थैतिक विद्युत में क्या रहेगा, चारों ओर का क्षेत्र जो रहेगा वो केवल स्थैतिक आवेश होगा, ये स्थैतिक विद्युत, इसके चारों ओर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, है ना। तो फर्स्ट वाला हमारा राइट हो जाएगा। यदि वो गतिशील रहेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट, दोनों रहेगा इसमें, गतिशील में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों रहेंगे। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी है हमारे पास, ये थ्योरी है, स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। F बराबर होता है Q इंटू E, न्यूटन में होता है। तो हमारे पास E का मान क्या हो जाएगा, यदि हम इसको लाएंगे तो F/Q होगा। तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलाम रहेगा, ओके, या वोल्टमीटर रहेगी। D बराबर Q/A होता है, या इसके बराबर Q/4πr² कूलाम प्रति वर्ग मीटर में भी होगा। ओके, और एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन अदिश राशि है, क्या ज्ञात करना है हमें, अदिश राशि निकालना है। तो देखो, अदिश राशि क्या होता है, जिसमें परिणाम तो होता है, क्या रहता है, परिणाम होता है अदिश राशि, लेकिन दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती, तो हमें देखना है। और इसमें दो क्वांटिटी रहते हैं, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर में क्या रहता है, परिणाम और दिशा दोनों रहेगी, इसमें दिशा नहीं रहेगी। ओके, और ये होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य, ये तो इसमें दिशा रहेगी, किस की ओर एक स्ट्रेंथ लग रहा है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, विस्थापन घनत्व, ये भी हमें रहेगा। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पोटेंशियल ऐसा है जिसमें दिशा नहीं होती। ओके, और बल भी है जिसमें दिशा भी होती है, किस दिशा में फोर्स लग रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। यह हमारे पास इसकी थ्योरी है, जैसे कि
विद्युत विभव अदिश राशि है। वे राशियाँ जिनमें परिणाम होता है, परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम द्रव्यमान घनत्व, समय, चाल, आयतन, ऊर्जा, विद्युत धारा, तापमान आदि, ये इतनी राशि है, कितने हैं, द्रव्यमान घनत्व, समय, चाल, आयतन, ऊर्जा, विद्युत धारा, तापमान, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगला, वे राशियाँ जिनमें परिणाम और दिशा दोनों विद्यमान होते हैं, क्या रहता है, परिणाम और दिशा दोनों प्रेजेंट रहते हैं उसमें, तो उन्हें क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, तब बल, बल किस दिशा में लग रहा है वो हमें पता होना चाहिए, और विस्थापन, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, बल प्रवणता आदि हो गए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी देखिए, ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजेस द पॉइंट देखिए फ्रेंड, सॉरी कोई आ गया था इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर दिया था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए क्लोज्ड सरफेस encloses the point charge q and has a medium with permittivity of free space epsilon 0, then the Gauss's law should not be represented by, किससे represented नहीं करते हम, ये निकालना हमें। ओके, एक बंद पृष्ठ भाग में बिंदु चार्ज q सम्मिलित है और मुक्त क्षेत्र q जीरो एप्साइलन जीरो की प्राग्यम्यता के साथ एक मध्य है, फिर गॉस सिद्धांतों को किसके द्वारा दर्शाया नहीं, क्या बोला, नहीं दर्शाया जाना चाहिए। ओके, तो किसके द्वारा नहीं दर्शाया जाना चाहिए, देखिए इसके द्वारा दर्शाया जाता है और इसके द्वारा भी दर्शाया जाता है। अब नॉन ऑफ दिस ऑप्शन दिया है या फिर ये हमारे पास ऑप्शन, तो देखिए ये हमारे बीच में जो इनटू का चिन्ह है वो नहीं लगाया जाता इसमें। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके, इसके द्वारा नहीं दर्शाया जाता, यानी ये आ जाएगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी दी है, देखिए गॉस का नियम इससे दर्शाते नहीं हम, ये इससे दर्शाते, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, गॉस के नियम को प्रदर्शित करते ही दो समीकरण। ओके, दोनों ऑप्शन में था हमारा, फर्स्ट सेकंड, ये थोड़ी बी और सी वाला था और ये वाला नहीं था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इस, अर्थात एक आवेशित गोलाकार कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो देखना है हमें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए, मैं आपको पहले पिछले वाले क्वेश्चन भी बताए, ये हमारे पास एक कंडक्टर, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, जीरो होती है। ओके, और जो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है वो विभव, यानी कि वोल्टेज हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखेंगे, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है इसलिए इसकी मैं दो से तीन बार आपको इसके डिटेल में जानकारी दे दी। ओके, इसलिए थोड़ा जल्दी इसको करेंगे। एक आवेशित गोलाकार कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, गोले के अंदर घिरा हुआ कुल आवेश शून्य रहता है, क्या रहता है, आवेश का मान भी शून्य रहता है, इंटेंसिटी भी इसकी जीरो रहती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर इज गिवन बाय, किसी दूरी आर पर रखे हुए बिंदु आवेश का विभव किसके द्वारा दिखाया जा सकता है, तो देखिए किसके द्वारा दिखाया जाता है, इसको क्यू आवेश है हमारे पास, और जो हमारा
कांस्टेंट रहेगा, ए 4 पाई एप्सिलॉन 0, और उसकी दूरी रहेगी, जैसे ये दूरी क्यू की रहेगी तो कितने दूर पे है वो आर है हमारा। ओके, तो ये हमारा आंसर है कि क्यू वन है। तो अब इसको कौन सा सही, हमारा सी वाला सही रहेगा। एप्सिलॉन 0 है, इसका मान क्या रहता है, 8.854 × 10^12 हेरड पर मीटर होता है। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हमारा एग्जामिनर हमसे देखिए कैसा पूछता है, ये बार बार रिपीट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं, उसी को बार बार रिपीट करते रहता है। जैसे ये एई में पूछा है तो जेई में पूछ सकता है। ओके, इस प्रकार से। अब इलेक्ट्रिकल के इतने सारे क्वेश्चन और कहाँ से बनाए, है ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। ये हमारा है, किसी दूरी आर पर रखे हुए बिंदु आवेश का विभव, यह हमारा रहेगा, द्वारा दर्शाया जाता है। कूलम के नियम के अनुसार के बराबर क्या रहता है, 4 πε₀/1। ओके, ε₀ मुक्त अंतराल में विद्युतशीलता है, इसका मान क्या रहेगा, ये फ्री स्पेस में रहते हैं, परमिटिविटी फेरड पर मीटर रहेगी ये। ओके, और ये हमारे पास राइट आंसर हमारा सी वाला रहेगा इसका। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए, द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इफ द मीडियम इज, ओके, क्या है, विद्युत विस्थापन डी विद्युत के क्षेत्र तीव्रता ई की दिशा में है तो माध्यम है, ये माध्यम क्या रहेगा हमारा, सजातीय आइसोटोपिक, हाँ ये रहेगा। ओके, राइट आंसर, गैर सजातीय या अन आइसोटोपिक, नहीं ये गलत है, ये भी गलत रहेगा, नॉन एन, ओके ये वाला फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसका थ्योरी को देखते हैं। देखिए, विद्युत विस्थापन ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा में है तो मध्यम सजातीय आइसोटोपिक होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी क्लासिफाइड अस, विद्युत प्रवाह को वर्गीकृत किया जा सकता है, विद्युत प्रवाह को किससे वर्गीकृत किया जा सकता है, इसमें देखिए चालन के द्वारा किया जा सकता है जिसे कंडक्शन करंट कहते हैं, इसको किसके परिभाषा क्या रहेगी, किसी चालक में क्या रहेगा, किसी चालक में आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे एक स्थानीय एक स्थानीय यहाँ से यहाँ तक इसका प्रवाह होता है चालन विधि के द्वारा होता है। ओके, तो उसे चालन कंडक्शन कहेंगे। और एक डिस्प्लेसमेंट करंट रहता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रहता है, विस्थापन होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा परिवर्तित होगा उसके कारण वो होगा तो वो क्या कहे, डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाएगा। ओके, और नेक्स्ट होता है कन्वेंशनल करंट रहता है, संवहन विद्युत प्रवाह रहता है जो कि किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे कि वैक्यूम हो गया, ओके, जिसे हम निर्यात बोलेंगे, उसमें से होकर प्रवाहित होता है, उसे क्या कहेंगे, कन्वेंशनल करंट कहलाएगा। तो हमारा इसमें तीनों ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम थ्योरी को देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास थ्योरी है। देखिए, चालन विद्युत धारा किसी चालक में जब आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसे चालन विधि कहा जाता है। ओके, विस्थापन कैसा है, विस्थापन विद्युत प्रवाह तभी होता है जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है, कैसा, समय के साथ, टाइम के साथ वेरी करेगा वो। संवहन विद्युत प्रवाह जब धारा का प्रवाह किसी विद्युत रोधी पदार्थ किसमें, इंसुलेटर में, जैसे द्रव्य हो गया, गैस या निर्यात से, उसमें संवहन विद्युत
प्रवाह कहते हैं उसका हम, क्या कहेंगे? संवहन विद्युत प्रवाह कहेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए, इफ़ ए वोल्टेज चेंज इंस्टेंटेनली द करेंट थ्रू ए रजिस्टर कनेक्टेड एक्रॉस इट, किसके एक्रॉस में जुड़ा है? करंट रजिस्टर के। यदि एक वोल्टेज में त्वरित परिवर्तन, किसमें? वोल्टेज में अचानक परिवर्तन हो रहा है, तो इससे जुड़े प्रतिरोध में धारा क्या रहेगी? अगर हमारे पास क्या है, रजिस्टर है, ओके, ये हमारे पास रजिस्टर है, तो उसमें वोल्टेज परिवर्तन होगा तो हमारा वी बटे आई होता है, तो करंट भी हमारा परिवर्तित हो जाएगा, ओके, ये भी तुरंत बदल जाता है, तो सी वाला आंसर आएगा। यदि इंडक्टर की बात करता है, यहाँ इंडक्टर दिया रहता तो ये वोल्टेज में परिवर्तन होता तो वो क्या करता, इंडक्टर उसमें करंट जो बदलता है उसका विरोध करता है वो, तो वो बदलता नहीं। अगर वो कैपेसिटेंस की बात करता तो कैपेसिटेंस में यदि करंट में परिवर्तन होता तो वोल्टेज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। वोल्टेज में परिवर्तन रहेगा तो वोल्टेज को कॉन्स्टेंट बनाए रखने के लिए हम कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं, ओके। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। देखिए, यह हमारे पास थ्योरी, यदि एक वोल्टेज में त्वरित परिवर्तन होता है तो इसमें जुड़े प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तुरंत बदल जाती है, क्योंकि प्रतिरोध धारा परिवर्तन का विरोध नहीं करता, जबकि इंडक्टर धारा में परिवर्तन का विरोध करता है ना, और कैपेसिटेंस वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करेगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर, क्या है परफेक्ट कंडक्टर, यानी कि इन्फिनिटी है ये कंडक्टर, ओके, द फील्ड स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द स्किन डेप्थ, क्या है स्किन डेप्थ, इज एक्स परसेंटेज ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ एट इट्स सरफेस द वैल्यू एक्स परसेंटेज इज, ओके, अर्थात एक संपूर्ण चालक के लिए, क्या है संपूर्ण चालक, एक कंडक्टेंस क्या है संपूर्ण चालक यानी कि इन्फिनिटी है, त्वचा की गहराई के बराबर विद्युत क्षमता का मान उसकी सतह का व्याप्त विद्युत क्षमता के एक्स परसेंटेज के बराबर है, एक्स परसेंटेज का मान होगा, क्या होगा वो देखते। देखिए, स्किन डेप्थ बराबर होता है, स्किन डेप्थ ये रहता है 1/α बराबर अंडर रूट 2/σμ कंडक्टिविटी, ओके। यदि हमारे पास ये कंडक्टिविटी इन्फिनिटी है तो स्किन डेप्थ क्या हमारे पास रहेगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, कैसे है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है ये अंडर रूट में कंडक्टिविटी, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ओके। अब आइए हम इसको, इसकी थ्योरी को देखते हैं, जैसे ये दिया है उसमें, ओके, स्किन डेप्थ इससे प्रदर्शित करेंगे हम, और ये हमारे पास फार्मूला है, ओके, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, और ये परमेबिलिटी, और ये कंडक्टिविटी। यदि कंडक्टिविटी हमारी इन्फिनिटी है तो स्किन डेप्थ क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा हमारा, ओके, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ओके। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, व्हेन द एयर ए पॉकेट इज ट्रॉप्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक ऑफ ए रिलेटिव परमिटिविटी फाइ फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन द एयर पॉकेट टू डेट इन द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू, देखिए अर्थात हिंदी में देख लेते एक बार, एक अचालक के अक्रॉस लगाए गए वोल्टेज के लिए जब वायु के गुच्छे सापेक्ष चुंबकशील विद्युतशीलता
पांच के अचालक के अंदर फंस जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वायु गुच्छे के अंदर तनाव और तथा अचालक के अंदर तनाव के अनुपात बराबर है। तनाव के अंदर अनुपात में देखना इसको, ओके। तो देखिए ई बराबर होता है 1/ε0 और ε r, ओके। तो अब हम इसको कह सकते ई बराबर ईयर में ये बटे ई बराबर डाइलेक्ट्रिक में, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई बराबर हम मान रखेंगे, तो ये हमारा ε0 ε r बटे में ε0 हो जाएगा। ε0 से 0 कट जाएगा तो ε r बचेगा। ε r हमें दिया है 5 दिया है, तो हमारा आंसर क्या 5 आ जाएगा, ओके। अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए E बराबर हम ये रखते हैं, तो हमारा प्रश्न बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग हम ईयर में बटे डाइलेक्ट्रिक में, तो ईयर में हमारा ये है और डाइलेक्ट्रिक में ये है, दोनों को ε0 और ε0 कट जाएगा, तो ε r हमारे पास आ जाएगा, ε r बराबर 5 हो जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए -10N क्या है, -10NC तथा प्लस का 10NC के दो बिंदु है, आवेश एक मुक्त स्थान क्रमशः, ये हमारा स्थान है और सेकेंड ये स्थान मीटर पर अवस्थित है, इसके विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या है, इसके विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या रहेगी। तो देखिए इसको हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में रहेगा तो देखिए एनर्जी स्टोरेज बराबर रहेगा, ये इस 1/2 रहेगा, Q1 और V1 प्लस में Q2 और V2 रहेगा, ओके। ये है हमारे पास, इस फार्मूले में इसका मान रखेंगे, ओके। पहले हम इसको हल कर लेते हैं, जैसे कि यदि हम 2 का गुना दोनों में गुना कर लेंगे, ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा Q1 बटे 2 V1 प्लस Q2 बटे 2 V2 हो जाएगा ये, ओके। अब इसका यदि एक मेन फार्मूला आता है देखो, तो ये आ जाएगा हमारा W बराबर रहेगा 4πε0εr, और जब इसमें Q1 Q2 बटे 2 हो जाएगा प्लस Q1 Q2 प्लस बटे 2 हो जाएगा, ओके। अब जब इसमें हम मान रखते हैं, देखिए इनका मान क्या है वो रखते हैं, W बराबर 1/8ε0 है ना, 2 का गुना है उसमें डायरेक्ट कर दिया हमने। अब इसको करेंगे माइनस का 10 × 10 × 10, ये हमें दिया है मान, बटे 2 माइनस 18 हो गए, प्लस का -10 × 10 × 10⁻¹⁸ बटे 2। अब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का हमारे पास आंसर रहेगा सी वाला, ओके। अब इसको काट लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते पहले। ये हमारे पास इसकी थ्योरी, देखिए ये एनर्जी स्टोरेज, ये हमारा फार्मूला है। अब हम इसका गुना इसमें डायरेक्ट कर दोगा ना, तो ये हमारा प्राप्त हुआ। ये प्राप्त होने के बाद हम जब भी मध्य में रखा, जो मध्य में है वो इसका मान रख ले, जो कि एक कॉन्स्टेंट रहता है उसको रखें हम, उसके बाद हम जो ये कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा बाहर और ये सेम आ जाएगा।
ओके, अब यह से माने के बाद हम इस में मान डायरेक्ट रखते हैं, इसमें डायरेक्ट मान रख लेते हैं, तो हमारे पास दो का गुना इसमें हो जाएगा तो आठ ये आ जाएगा ये, और उसके बाद ये हमारा मान रखा तो ये काटने पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं काटना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, रिपीटेड है और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए यूनिफॉर्म प्लेस वेव हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर इन ए फ्री स्पेस एंड 1 सेंटीमीटर इन ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये देखिए, रिलेटिव पर एक समान और सपाट तरंग की मुक्त स्थान पर तरंग धैर्य 2 सेंटीमीटर एवं एक परिशुद्ध आदर्श द्विविद्युत में 1 सेंटीमीटर, इस द्विविद्युत की सापेक्ष चालकता कितनी है। सापेक्ष चालकता इसकी निकालना है ना। तो अब इसकी सापेक्ष चालकता हमारी एक ये फार्मूला आता हमारे पास, ये 2 पाई अंडर रूट में म्यू 0 एप्सिलॉन ये रहेगा। इसको हम अगर पूरा लिखें तो इसका क्या रहता है, म्यू बराबर म्यू 0 और म्यू आर एप्सिलॉन का एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर, इनका मान भी रख लेंगे। ओके, तो हमारे पास इसका एक मेन फार्मूला बन के आएगा, ये ईयर में रहेगा बटे ये डाइलेक्ट्रिक में रहेगा, एंडर रूट में आएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर 2 और एप्सिलॉन 0 रहेगा। इसका मान रखेंगे हम, एप्सिलॉन आर का मान 1 रहेगा ईयर में। ओके, ये दिया रहता है। अब इसका मान रखेंगे, मान रखते हैं तो 2/1 बराबर एंडर रूट में एप्सिलॉन आर 2 हो जाएगा। ओके, जब इसका हम अंडर रूट को इधर हटाएंगे तो वो स्क्वायर में हो जाएगा और बट्टे में स्क्वायर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन आर 2 का मान हमारा हो जाएगा 2 की घात 2 है तो 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए ये हमारे पास थ्योरी है, ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, और इसके समानुपात में होता है, ईयर में और डाइलेक्ट्रिक में दोनों में हम मान रखें इसका, तो हमारे पास ये निकल के आया। ओके, दोनों सेम थे, जैसे कि ये 0 आर वाला ये कट गया हमारा और ये हमारे पास आया। अब ईयर में रहता है, ईयर में आर का मान कितना रहता है, 1 रहता है। अब आर को हम 1 रख लिए, अब हमारे पास बचा ये। ओके, तो इसका स्क्वायर करेंगे इसमें तो ये आ गया हमारा 4 वाला आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए चार्ज बॉडीज टू एक्स्ट फोर्स ऑन वन अनदर इज एट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या है, आवेशित वस्तुओं के एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता किसके अस्तित्व के कारण है, किसके अस्तित्व के कारण है। एक दूसरे के ऊपर जो आवेशित वस्तु रहेगा उसमें क्या रहेगा, आवेश और उसके चारों क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये आवेश है। ओके, तो उसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो उसमें जो बल लगेगा एक दूसरे के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्डर आंसर हो जाएगा। ओके, क्यू बराबर क्या रहता है, आई और टी रहता है। ओके, इसके बहुत सारे मैं डीप में इसमें बताया हूँ, चलो अब इसकी थ्योरी देखते और आगे बढ़ते हमें, ठीक है। यह हमारे पास इसकी थ्योरी, आवेशित वस्तुओं के एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता विद्युत क्षेत्र के कारण होते हैं, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रवाहित होने वाले धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होते हैं।
समय के गुणनफल के बराबर होते हैं। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वेक्टर क्वांटिटी, निम्न में से कौन से एक अदिश राशि नहीं है, है ना। तो इसमें देखिए, अदिश राशि में क्या रहता है, परिणाम, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ओके, तो किस में दोनों रहेगी, रेखीय संवेग में रहेगी, कोणीय वेग में भी, चुंबक के क्षेत्र में भी रहेगी, किस दिशा में वो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम थ्योरी देखते हैं इसकी, ये हमारे थ्योरी है। विद्युत विभव अदिश राशि नहीं है, किसी चालक में आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए कार्य या आवेश की मात्रा के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, ए लाइन चार्ज इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, रेखीय लाइन आवेश निम्न से दिया जाता है, किससे दिया जाता है, किसके नियम के अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे कि एक लाइन है, एक मिनट, एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन मान लेते हैं, इधर क्या माइनस 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 रहेगा और इधर प्लस प्लस रहेगा। ओके, ये प्लस प्लस है, तो ये हमारे पास एक बंद सरफेस हो जाएगा अंदर में। ओके, तो गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह यानी कि क्लोज सरफेस रहेगा से गुजरने वाले, इसमें जो गुजरेगी, ओके, गुजरने वाला फ्लक्स तथा इसके ऊपर जो सतह रहेगी उसके सतह में घिरे हुए चार्ज, जो चार्ज रहेंगे उसके बराबर में रहेंगे। ओके, ये बराबर में रहते हैं, और गॉस का नियम कैसा होता है, जैसा ये ई डैश डी ए बराबर, इसको मैं नीचे लिख लेता क्यू इन बटे एप्साइलन जीरो। ओके, इसके बराबर में रहता है हमारा गॉस के नियम के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला राइट आंसर गॉस के नियम अकॉर्डिंग है। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास है इसकी थ्योरी, क्या है, रेखीय आवेश नियम गॉस के नियम दिया जाता है। ये हमारे पास एक गॉस सरफेस के अकॉर्डिंग, ये सरफेस और ये इंटरनल रहेगा वो दोनों बराबर रहेगा, ये हमारा गॉस का नियम का एक इक्वेशन है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह क्लोज सरफेस रहे उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या रहेगा, उससे घिरे हुए चार्ज के बराबर रहेगा। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए, एन इलेक्ट्रॉन हैज अर्थात एक इलेक्ट्रॉन में होता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है, नेगेटिव चार्ज या फिक्स पॉजिटिव चार्ज या वेरिएबल पॉजिटिव चार्ज, नॉन ऑफ दिस, तो ये क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, नेगेटिव रहेगा, और प्रोटॉन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और न्यूट्रॉन क्या रहेगा, न्यूट्रलाइज रहेगा, उदासीन रहेगा, उदासीन। ओके, ये कैसा, उदासीन रहेगा, और जो हमारा परमाणु रहता है ये ऐसा, वो भी एक उदासीन रहेगा। ओके, जैसे ये नाभिक मान लेते हैं हम, नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है नाभिक के अंदर। ओके, अब आइए उसकी थ्योरी को देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, कैसा है, नेगेटिव, अर्थात प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक आवेश होता है तथा न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, किसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर, वो न्यूट्रल रहता है, नहीं आवेश नहीं होता, यह आवेश रहित होता है और परमाणु में भी कोई आवेश नहीं होता है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर उदासीन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उदासीन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए,
पॉइंट फ्रॉम ऑफ ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन, ओम का नियम प्रदर्शित करता है, कौन सा प्रदर्शित करता है, देखिए एक्सुल में ओम का नियम क्या रहता है हमारे पास, वी बराबर आई आर होता है ओम का नियम। ओके, अब ये तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो ओम का नियम दूसरा तरीका पॉइंट फार्मूला इसमें होता है, देखिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी और विद्युत क्षेत्र के बीच में ये रिलेशन रहता है, तो हमारे पास ई रहेगा, क्या रहेगा हमारा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ओके, विद्युत क्षेत्र, और ये हमारा क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, और अब हमारे पास जे रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी हो जाएगा, ये करंट है, तो हमारे पास करंट डेंसिटी बराबर क्या रहेगा, कंडक्टिविटी गुणित विद्युत क्षेत्र आ जाएगा उसके, तो हमारा बी वाला आंसर राइट रहेगा। ओके, ये हमारा उत्तराखंड एई में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट पेपर में पूछा है। ओके, हालांकि जेई में कभी आने का चांसेस रहेगा इसका, क्योंकि पहले से ये पूछा गया है एई में। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम उसके थ्योरी को देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है ओम का नियम बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और ये करंट जा रही है, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये आ गया ओम का नियम जो स्टैंडर्ड है वो ये हमारे पास है, ओम का नियम के दूसरा पॉइंट फार्मूला ओम के नियम के अकॉर्डिंग। ओके, वो क्या है देखिए, ये हमारे पास बेसिकली धारा घनत्व करंट ये है, और कंडक्टिविटी इससे दर्शाते हम, और विद्युत क्षेत्र ई से प्रदर्शित करते थे, ई बराबर रहेगा जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई बराबर जेड ई हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, हमारे पास कौन सा आंसर है, बी वाला आंसर राइट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इंक्रीज्ड, है ना, क्या है, जब द आवेशों के बीच में अलगाव क्या बढ़ रहा है, अलगाव बढ़ जाता है, तब आवेशों की विद्युत क्षमता ऊर्जा पर क्या असर पड़ता है, विद्युत क्षमता ऊर्जा रहेगा उसके ऊपर क्या क्षमता, जैसे कि उनके बीच में अगर दूरी बढ़ जाएगी, है ना, उनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी तो वो क्या रहेगा, घट जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं, ये हमारे पास थ्योरी है, जब द आवेशों के बीच में अलगाव बढ़ जाता है तो उनके बीच में जो विद्युत क्षमता ऊर्जा घट जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसको करते हैं, टू चार्ज आर ए स्पेस ए पार्ट 10 सेंटीमीटर इन वैक्यूम, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर है, इट्स नो नोन व्हाट द चार्ज आर, 4 × 10⁻⁸ एंड 6 × 10⁻⁵ कूलम रेस्पेक्टिवली, इफ द सेम चार्ज, क्या है, सेम चार्ज आर सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस इन केरोसिन विथ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2, फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। ओके, इसके बीच में क्या ज्ञात करना है, फोर्स ज्ञात करना है। ओके, हमारे पास रहता है ये 9 × क्या रहेगा, 10⁹ बटे एप्सिलॉन आर डी स्क्वायर, और दो आवेश से दो Q1 Q2 है, ये हमारे पास इसका मान रखेंगे, हमें दो दिया है, और
ये हमें मान दिया है, इसका मान रख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें जैसे कि 9 × 9 एक मिनट उधर नहीं आ पाएगा, 9 × 10⁻⁹ इंटू फर्स्ट चार्ज कितना है हमारे पास, ये और ये है, ओके। तो 4 × 10⁻⁸ × 6 × 10⁻⁵ 2 आर का मान है गुणित 10 सेंटीमीटर का हमने मीटर में किया माइनस 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.07 न्यूटन आ जाएगा, ओके। अब इसको काट लीजिए आप तो हमारे पास 1.707 ये बी वाला आंसर है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं इसमें हमारी थ्योरी को, ये हमारे पास थ्योरी है। जैसे ये हमें डी डिस्टेंस दी है और ये हम मीटर में कर लिए, Q1 दिया है और Q2 दिया है और एप्सिलॉन आर का मान ये दिया है, हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें मान रखा था हमने और हमने काटा तो ये निकल के आया, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इमेज, है ना, इमेज को देखिए और विचार करें। इट इज सो डेट टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल कैरी इक्वल एंड ऑपोजिट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ओवर देयर सरफेस, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ इनर सेल, ओके। क्या है, निम्नलिखित चित्र पर विचार करें, ज्ञात है कि दो संकेंद्रीय गोलीय खोल की सतह पर बराबर है, विपरीत और एक समान रूप से वितरित आवेश होते हैं, भीतरी खोल की सतह पर कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, ये भीतरी खोल इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के लिए हम देखते जो आवेश रहता है हमारे पास ऊपर क्यू और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट रहता है 4π और जो दूरी है r है हमारे पास, दूरी r है उसके दूरी के स्क्वायर रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर विद्युत क्षेत्र फील्ड e से दर्शाते हैं, ओके। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। तो अब हम इसको इसको देखते इसका आंसर क्या है, बी वाला आंसर हमारा ये स्क्वायर में रहेगा, ओके। जिससे मैंने आपको बताया बी वाला ये राइट आंसर होगा, ओके। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें करेक्ट मैच में सही मैच नहीं कर रहा है। तो क्या है, किलोवाट आवर एनर्जी, सही है किलोवाट आवर एनर्जी, और इसमें क्या है सेल्सियस नेम ऑफ किंग, ये सेल्सियस राजा का नाम है, नहीं है ये यूनिट है टेम्परेचर की, ओके, डिग्री सेल्सियस में आते। बैलेंस ऑफ व्हील इज वॉच इनवर न्यूटन फोर्स, ओके, ये सही है ये भी सही है, हमारे पास ये मैच नहीं करेगा तो राइट आंसर हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा, ओके, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब हम थ्योरी को देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास थ्योरी है, क्या इसमें किलोवाट ऊर्जा का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक होता है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ ए इंसुलेटेड स्फीयर केपल ऑफ बिगिंग चार्ज 1,000,000 वोल्ट पोटेंशियल बिफोर स्पार्किंग इनटू द एयर गिवन डेट ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एयर इज 3×10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, हवा में स्पार्क होने से पहले
10 लाख वोल्ट तक आवेशित होने वाला एक पृथक्कृत जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 3×10^4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या निकालना है। ओके, तो हमारे पास फार्मूला इसका क्या रहता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज ये रहेगा हमारे पास किलो वोल्ट बटे त्रिज्या रहता है ना, त्रिज्या। तो इसमें हम मान रखें कि हमारे पास वोल्टेज कितना है, 10 लाख वोल्ट है ना, और हमारे पास ये ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है, तो त्रिज्या निकालना है हमें, 1000×10^3 ये हम नीचे आ जाएगा त्रिज्या के साइड में, तो 3×10^4 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में 10^1 माइनस कर दिया हम। अब इसको हम काटेंगे है ना, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1000/3 mm। अब हम 3 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मीटर में, 0.333 है ना, 0.33 फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम इसके थ्योरी को देखते हैं। ये हमारे पास है इसकी थ्योरी, देखिए वोल्टेज हमारे पास ये है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ही दिया है हमें है ना, ये सेंटीमीटर में, तो एमएम में इसको हम कन्वर्ट कर लिए, त्रिज्या हमें फाइंड आउट करना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है हमारे पे किलो वोल्ट बटे त्रिज्या होती है। ओके, किलो वोल्ट कितना है, 1000×10^3 बटे में त्रिज्या 3×10^4×10^-1। ओके, अब इसको हम काटेंगे, इसे ये 4 से ये माइनस में हो जाएगा, 1 0 रहेगा और ये 3 हो जाएगा। ओके, ये माइनस का ऊपर चला जाएगा वापस इसमें, तो ये 1000/3 आ जाएगा, उसको हम काट लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड अस, विद्युत क्षेत्र परिभाषित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कैसा रहता है, ई बराबर रहता है एफ बटे क्यू रहता है, यानी कि प्रत्येक कूलम पर लगने वाला बल रहता है न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट होती है क्या है, विद्युत क्षेत्र प्रति इकाई आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, तो इसका हम आंसर क्या हो जाएगा, हमारा प्रति इकाई फोर्स पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज है रॉन्ग, वोल्टेज पर यूनिट करंट नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं, तो हमारा राइट आंसर फोर्स पर यूनिट होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया जाता है, अब हम इसकी थ्योरी को देखेंगे। देखिए ये हमारे पास थ्योरी क्या है, विद्युत क्षेत्र बल प्रति इकाई आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू रहता है, विद्युत क्षेत्र है एफ सॉरी ई विद्युत क्षेत्र और एफ बल और क्यू आवेश है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी या बथ या नॉन ऑफ दिस क्या क्या है, तो इसमें रहता है वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, सदिश राशि है। ओके, विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्या रहता है, परिमाण और दिशा, ये दोनों रहता है, उससे क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास है विद्युत क्षेत्र अदिश राशि है जो दिशा और परिणाम दोनों होता है इसमें। ओके, ये वाला हम फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र बराबर वोल्ट पर मीटर रहता है, क्या रहेगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र बराबर, इसकी यूनिट।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखें, इलेक्ट्रॉन इज आइटम एंड मॉलिक्यूल्स कैन चेंज एनर्जी लेवल बाय इलिमिनेटिंग और ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन और अणु किसके त्याग या अवशोषण से अपनी ऊर्जा स्तर बदल सकते हैं? क्या है? ऊर्जा स्तर बदल सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है प्रोटॉन्स, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोटॉन्स। फोटॉन्स से की वजह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन और अणु है, इसके त्याग या अवशोषण से ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ओके, परमाणु और अणु में। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी में क्या है? परमाणु और अणु निहित इलेक्ट्रॉन फोटन का उत्सर्जन अवशोषण करके अपने ऊर्जा स्तर में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना? ऊर्जा स्तर में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, बुलेट्स मेन कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंटेड द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद। बुलेट्स मेन स्थिरांक वोल्टता का परिवर्तन किसके साथ प्रदर्शित करता है? किसके साथ ये प्रदर्शित रहेगा? तो ये हमारे पास रहेगा प्रेशर या दाब। प्रेशर अर्थात दाब के साथ वो परिवर्तित है। दाब बदलेगा तो हमारा ये बुलेट्स स्थिरांक वोल्टता का परिवर्तन होगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। जैसे ये हमारे पास थ्योरी है, बुलेट्स में स्थिरांक वोल्टता का परिवर्तन दाब के साथ प्रदर्शित करता है। किसके साथ? दाब के साथ प्रदर्शित करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली या मैग्नेटिक फील्ड ओनली या बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली या मैग्नेटिक फील्ड ओनली, नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास क्या रहता है? स्थिर रहता है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ये गतिशील रहेगा तो क्या है? दोनों रहेगा, बोथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एंड मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ओके, ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये हमारे पास थ्योरी है, देखिए, एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर उत्पन्न होते हैं। कैसे? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर गतिमान आवेश उत्पन्न होती हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, क्या है? द डायमेंशन ऑफ ए फोर्स आर, बल का आयाम है। तो बल बराबर क्या आता है हमारे पास? देखें, एफ बराबर रहेगा हमारा, एफ बराबर एम इंटू ए रहेगा। क्या है? द्रव्यमान गुणित एक्सीलरेशन है, त्वरण रहता है। तो ए का मान क्या रहेगा? ए का मान त्वरण एम बटे एस स्क्वायर, और एम का मान द्रव्यमान का मान क्या रहेगा? केजी में रहेगा। अगर हम इसका मान रखते केजी एम बटे एस स्क्वायर, ओके, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारी? एम एल लंबाई और जो टाइम हमारा टू स्क्वायर में रहेगा, तो ये बटे में है तो ये आ जाएगा ऊपर। ओके, अब राइट आंसर हमारा कौन सा है इसमें? फर्स्ट वाला राइट आंसर है। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। डायमेंशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है हमेशा, आप ध्यान रखिए, डायमेंशन निकालना सीख जाएंगे। हर एक को एक एक बार निकाल के देख लीजिए तो ऑटोमेटिक बन जाएगा आपको, बहुत आसान है ये, देख लो ये। जैसे कि बल आयाम और या विमा, ये वाला रहे, क्योंकि बल द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। F इज इक्वल टू m इंटू a, तो त्वरण हमारे पास m बटे एस स्क्वायर, द्रव्यमान kg में होता है। दोनों का मान रखा हमने और इसको निकाल लिया। ओके, ये वाला हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखें,
Which of the following have same dimensional formula? निम्नलिखित में से किसके समान विमेय सूत्र है, किसके समान विमेय सूत्र रहेगा? वर्क एंड एनर्जी, हाँ ठीक है ये रहेगा, और इम्पल्स एंड मोमेंट ये भी रहेगा। ओके ये दोनों सेम रहेगा तो ये बथ आ जाएगा, दोनों में हमारा राइट आंसर ये वाला रहेगा। ओके इसका डायमेंशन क्या रहता है, एम एल स्क्वायर और माइनस टी टू रहेगा। ओके ये वाला हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। ओके इसके हम थ्योरी को देखते हैं, देखिए ये हमारे पास क्या है, कार्य की विमा ये हमारे पास, ऊर्जा की विमा ये हमारे पास, संवेग की विमा ये हमारे पास, और ये इसकी विमा, यानी कि दोनों आपस में इम्पल्स की है ये वाली रहेगी दोनों में, और एक वर्क एंड एनर्जी की रहेगी। ओके आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 1 जूल पर कूलम इज कोल्ड, 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है, क्या है, 1 जूल पर कूलम बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था जूल पर एम्पियर सेकेंड या वोल्ट रहेगा। हमारे पास ऑप्शन में क्या है, वोल्ट है तो वोल्ट हम लगा देंगे। वोल्टेज क्या रहता है, यह किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वोल्ट कहलाता है। ओके वोल्टेज क्यों है, जूल पर कूलम या जूल पर एम्पियर सेकेंड या वोल्ट रहते हैं। ओके ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यह है इसकी थ्योरी। देखिए अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किसी यूनिट आवेश या चार्ज को लाने में किए गए कार्य को वोल्ट कहते हैं, तो वोल्ट की कह रहे थे जूल पर कूलम भी कहा जाता है। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ विथ ए वेलोसिटी वी अलोंग द एग्जिस्ट ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनाइट, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, क्या पूछा है हमें, आवेश Q एक आवेशित कण खाली स्थान धारा के अक्ष पर एक वेग से घूम रहा है, कण पर चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल क्या रहता है, इसका फार्मूला F बराबर रहता है BIV साइन फाई होता है। अब हमारे पास साइन फाई का मान क्या है, इसका मान 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ओके एक आवेश Q रहता है, आवेशित कौन एक सोलेनाइड धारिता धारा के अक्ष पर एक वी वेग से घूमता है, क्या है, वी वेग से घूमता है, कौन पर चुंबकीय बल 0 है, क्योंकि बल का सूत्र कहता है इसमें यह हो जाएगा, और इसमें साइन फाई का मान 0 हो जाएगा, फलस्वरूप बल भी हमारा 0 हो जाएगा। ओके अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं, आवेश क्यू एक आवेशित कण एक सोलेनाइड धारित धारा के अक्ष पर एक वी वेग से घूम रहा है, कण पर चुंबकीय बल 0 है, क्योंकि बल का सूत्र F बराबर BIV साइन फाई होता है, इसमें फाई का मान 0 होगा, जिससे साइन फाई का मान भी 0 हो जाएगा, फलस्वरूप बल भी 0 हो जाएगा। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में एक चार्ज पार्टिकल है, जब भी एक आवेशित कण एक विद्युत विभव में गमन करता है, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल गेट ए पोटेंशियल एनर्जी, नहीं पोटेंशियल गेट ए काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये क्या है, काइनेटिक, यदि कहीं भी वह चुंबक क्षेत्र में रहेगा तो वह दूर जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रहेगा उसमें। ओके अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं, यह हमारे पास इसकी थ्योरी है, देखिए जब भी एक आवेशित कण एक विद्युत विभव में गमन करता है, कण गतित ऊर्जा प्राप्त करता है,
ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज, विभव विभांतर है, ये क्या रहता है, एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, या फिर अदिश सदिश दोनों राशि रहेगी या नॉन अदिश, तो यह क्या रहती है इसमें, परिणाम तो होता है इसमें लेकिन दिशा नहीं होती है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ओके, अब हम इसके थ्योरी को देखते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है, देखिए, जैसे एक विभांतर अदिश राशि है, विभांतर दो बिंदुओं के बीच में बीच के वोल्टेज अंतर को कहते हैं, एक कूलम धनात्मक आवेशों को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभांतर कहते हैं, विभांतर का मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है, विभांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, एम्पियर सेकेंड कॉल्ड बी द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकेंड की इकाई है। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में 2013 में पूछा, तो उन ये एई में 14 में आ गया। ओके, फिर बीएसएनएल टीटीए में भी पूछ लिया इसने 2016 में, कंटिन्यू पूछ रहा है इसमें। ओके, अब इसमें है एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड क्या रहेगा, ये क्यू बराबर होता है आई टी रहता है, ये होता है एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। ओके, एम्पियर सेकेंड क्या है, किसकी यूनिट हो जाएगी, हमारी चार्ज की यूनिट हो जाएगी। पावर की यूनिट क्या रहती है, शक्ति होती है, जो कि वाट में रहती है या किलो वाट में रहती है या जूल पर सेकेंड में हो जाएगी। कंडक्टेंस सीमेंट से रहता है, या साइमेंट भी इसको बोलते हैं हम, या फिर इसे मोहो भी बोलेंगे हम। ओके, एनर्जी रहते किलो वाट आवर में रहती है ये। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें थ्योरी क्या दी है इसमें, ये दी हमें थ्योरी, एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई होते हैं, एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई होते हैं, क्यू बराबर आई टी होता है या क्यू बराबर एन ई भी होता है। ओके, ये वाला होता है। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहें, धारा प्रवाह, धारा कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दो तीन बार पूछा गया है, वैसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन में मानूंगा इसको, इतना हार्ड भी नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीच ऑफ द विच द वैलेंस सेल ऑफ एन आइटम कैन हैव इज क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजित सेल धारण कर सकता है, तो ये कितने रहते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक सेल हो गया, ये हमारे पास दूसरा सेल होगा, फर्स्ट सेल में दूसरे सेल में अधिकतम कितने रहेंगे, ये 2n के अकॉर्डिंग रहते हैं। ओके, तो हमारे पास अधिकतम होते हैं 8 होते हैं। ओके, हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के अधिकतम संख्या जो एक परमाणु एक संयोजी सेल धारण करता है वह 8 होती है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डिवाइस विच डज नॉट हैव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑन इट्स वन इज, जिस डिवाइस पर आवृत्ति निर्भर गुणों की अपनी स्थिति नहीं है, किसमें, इसमें तो निर्भर करेगी, इसमें भी, और रजिस्टर में नहीं करेगी। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर कैसे, देखिए, एक्स एल बराबर होता है 2πfL, यानी कि एक्स का मान बढ़ेगा, एक्स एल का मान बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और एक्स सी बराबर होता है 1/2πfc होता है। ओके,
यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा तो हमारा कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी है हमारे पास, देखिए, प्रतिरोध आवृत्ति से मुक्त होता है। ओके, प्रतिरोध पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि संधारित्र प्रतिघात पर आवृत्ति प्रभाव पड़ता है। एक्स सी बराबर होता है 2πfc होता है, और यह होता है एक्स एल बराबर 2πfL होता है। ओके, उपरोक्त से स्पष्ट है कि f का मान बढ़ने पर एक्स सी का मान घट जाता है, जबकि एक्स एल का मान बढ़ता है तो परंतु r के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखें, 3 charges 4q स्मॉल और कैपिटल Q एंड स्मॉल Q आर इन ए स्ट्रेट लाइन इन द पोजीशन 0 a एंड a पर 2 है ये रिस्पेक्टिवली। रिजल्टेंट फोर्स एट Q विल बी 0 इफ Q इज। ओके, तो क्या रहेगा इसमें, तीन आवेश हैं, ये तीन आवेश हमारे पास जो एक सीधी रेखा में है क्रमशः इनके बीच की दूरी ये हमें दी है स्थित है, तो Q पर शून्य बल तब लगेगा जब Q का मान क्या है, इसका मान हमें निकालना, तब ये Q पर शून्य बल लगेगा। देखिए तीन आवेश है हमारे पास, तो हम सबसे पहले देखते हैं आवेश Q और स्मॉल Q और कैपिटल Q के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, 1/4πε0 गुणित 4q/a² रहेगा। ओके, अब हमारे पास ये एक है और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, 4q और q के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, 1/4πε0 इंटू 4q² / a². ओके, ये हमारे पास रहेगा। तो अब हम टोटल फोर्स को निकालेंगे f प्लस f 4qq, और ये क्या है q स्मॉल और कैपिटल। ओके, ये रहेगा, अब इन को जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए 1/4πε0 गुणित 1/a जो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये हमारे पास क्या रहेगा, 4q और कैपिटल Q और प्लस 4q² हो जाएगा ये। ओके, अब ये होने के बाद हमारा इसको हम रख सकते हैं 4q कैपिटल Q प्लस 4q² = 0, है ना। अब इसमें कॉमन निकल आएगा, 4q है ना, 4q निकल आएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, Q प्लस स्मॉल Q बराबर 0। यदि ये इधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इधर जाके, तो Q बराबर माइनस Q हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा क्या रहेगा, ये Q का मान 0 रहेगा। ओके, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमारे पास है Q और इनके बीच में ये है, हमारे पास ये आ जाएगा, फॉर Q और Q के बीच में रहेगा तो ये हमारे पास आएगा, दोनों को ऐड करने पे हमारा ये फार्मूला आएगा। ओके, ये आने के बाद हम इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये हमारे पास बचेंगे। ओके, ये बचने के बाद इसमें कॉमन ले लेंगे 4q और q प्लस q आ जाएगा इसमें बराबर में ये रहेगा, इसको हम हटाएंगे तो ये उधर की साइड प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। ओके,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, ए होलो स्फीयर ऑफ ए चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर नहीं होता है, ये आवेशित खोखले गोले में कहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है पूछा हमें, तो कहाँ पर नहीं होता है, जैसा एक ये खोखला गोला है उसमें क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें हमारी जीरो रहेगा, फ्लक्स का मान जीरो रहेगा, ई का मान जीरो रहेगा और हमारे पास वी का मान बराबर रहेगा आउटर और इसमें इनर में, ओके, और क्यू का मान भी हमारा जीरो रहेगा, तो हमें क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र, तो ये हमारा इनर साइड में जीरो होता है, ओके। अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं, थ्योरी है हमारे पास, देख लीजिए, ये हमारे पास थ्योरी है, जैसे कि विद्युत क्षेत्र अतः किसी आवेश के चारों ओर वह स्थान क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र जीरो होता है इनर पॉइंट में, आउटर पॉइंट में ये रहेगा इसमें, ओके, आउटर पॉइंट में ये रहेगा 1/4πε0 q/r² में रहेगा, आवेशित खोखले गोले में इंट्री और पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है ना, इंटरनल पॉइंट पर, ओके, इनसाइड में, अंदर की साइड में नहीं होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखें, ए प्लेट कैरिंग ए चार्ज ऑफ 0.5 कूलम इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2000 वोल्ट, इट्स अटेंड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्या है, 0.5 कूलम से आवेशित छर्रे को 2000 वोल्ट विभवांतर क्षेत्र में त्वरित किया गया तो गतित ऊर्जा निकालें, गतित ऊर्जा, तो हम जानते हैं कि V बराबर जूल बटे कूलम होता है, J बराबर हमारे पास क्या है, वोल्टेज का मान और कूलम का मान दिया है, वोल्टेज J का मान निकालना है हमें, तो वोल्टेज कितना है, 2000 × 0.5 है, तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 से एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 × 5 × 2 = 10, तो 10 और 2 = 0 बचेंगे, तो 1 और 2 तो 1000 हमारे क्या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ओके, 1000 जूल में आएगी काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब आइए हम इसकी थ्योरी को देखें, देखिए जैसे ये हमारे पास थ्योरी है, हमारे पास वोल्ट बराबर गतित ऊर्जा बटे आवेश होता है और गतित ऊर्जा निकालना है हमें, आवेश का मान भी दिया था हमें 0.5 और इसका मान दिया था वोल्टेज का, दोनों में गुना करें तो जूल में आ गया ये हमारा, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए, एन स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल वोल्ट इफ दे closes to form one drop, then the potential of the drop will be, क्या है, n संख्या की छोटी बूंद को जो समान आकार की है वो समान विभव से आवेशित है, सम्मिलित होकर एक बड़ी बूंद बनती है, उसका विभव होगा, उसका विभव होता है हमारा, देखें, एन का स्क्वायर 2/3 वोल्ट रहता है, ओके, ये क्या रहेगा हमारा, सबसे बड़ी बूंद का आयतन निकालने के लिए, बड़ी बूंद का आयतन है ना, क्या है, बड़ी बूंद बराबर एन गुणित छोटी बूंद रहेगी, छोटी बूंद का आयतन, तो हमारे पास क्या रहता है, ये आयतन दिखाएं, आयतन बराबर 4/3πr² है ना, क्या रहेगा, स्क्वायर में रहेगा ये, बराबर n 4/3, क्या है, 4/3πr² रहेगा। अब हमारे पास क्या कट रहा है,
तीन बटे चार से तीन बटे चार कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा हमारा। ओके, अब हमारे पास बचेगा आर क्यूब बराबर एन आर क्यूब हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्यू बराबर होता है एन स्मॉल क्यू रहता है, एक कैपिटल में रहेगा। ओके, छोटी बूंद का विभव हमारा कितना रहेगा, वी बराबर क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर होता है। ओके, तो बड़ी बूंद का विभव हमें निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटे आर बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एन क्यू बटे एन एक बटे तीन आर। ओके, बड़ी बूंद का विभव बराबर एन की घात दो बटे तीन गुनी छोटी बूंद का विभव। ओके, अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसे ये हमें दिए हैं, ये सॉल्यूशन में दिया है बड़ी बूंद का आयतन बराबर एन गुनी छोटी बूंद का आयतन, और ये आयतन का सूत्र हमें दिए बड़ी बूंद और छोटी बूंद का, इसमें हम ये काट सकते हैं, ये काट लिए तो ये हमारे पास एक आसान हो गया, ये निकल के आ गया। ओके, अब हम इसका मान रखेंगे और ये हमारे पास छोटी बूंद का विभव आ गया क्यू फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर, बड़ी बूंद का विभव यह रहेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ए कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम्ब, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। ओके, ये क्या है, एक चालक में 4 एम्पियर धारा, वो चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम हो तो क्रॉस सेक्शनल प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, है ना, तो वो रहेगा हमारे पास क्या रहता है, Q बराबर एन ई बराबर I और T होता है। ओके, अब हमारे पास क्या है, I का मान दिया है, ये I बराबर 4 एम्पियर दिया है और E का मान भी दिया है हमें 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम दिया है। ओके, ये कितने एक सेकेंड में रहता है ये, ओके, एक सेकेंड में जाता है। अब हमें निकालना है I बराबर रहेगा Q बटे T रहता है, तो इसको N बट Q बराबर मान रख लेंगे और T, और जब N हमें निकालना है गुणित 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ बटे 1 सेकेंड और 4 एम्पियर है, तो ये 4 और इसमें गुना 4 एम्पियर, एक मिनट, 4 है ये 4, इसमें एक गुना हो जाएगा और इसको हम बटे में ले आएंगे तो 1.6 इंटू 10⁻¹⁹। ओके, अब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू, एक मिनट, क्या है, 2.5 इंटू 10⁻¹⁹ सॉरी प्लस में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस रहेगा, तो हमारा आंसर 2.5 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारी थ्योरी है, देखिए पहले इसको थ्योरी देख लेते, पहले एम्पियर आई का मान दिया है, ई का मान दिया है और टी दिया है, आई बराबर ये हमारा आ जाएगा एन ई और ये इसका मान आ जाएगा, तो ये एन इसका मान रखने पे हम एन का मान निकालना है, इस तरह से वन से कटेंगे तो फिर ये वाला हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन आइटम डू टू, अणु में इलेक्ट्रॉन खालिस्तान के कारण रहता है, किसके कारण रहता है, ये हमारा
इसे देखते हैं। देखिए कूलम्ब्स फोर्स के कारण ये हमारा रहेगा। ओके, ये हमें जैसे कि हम इसको देखते हैं, इसकी थ्योरी को देखो, ये हमारा है। अणु में इलेक्ट्रॉन कूलम्ब बल के कारण रहता है। इस नियम के अनुसार द आवेशित कणों के बीच में बल आवेश की सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होता है। ओके, कूलम्ब का नियम क्या है? एफ बराबर रहता है क्यू वन बटे क्यू टू बटे डी स्क्वायर, जो दूरी रहेगी उसके ये रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें कि अंडर ए थर्मल एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम एनालॉग टेम्परेचर इज कंसिडरेट एनालॉग टू। ओके, क्या है? थर्मल एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम में टेम्परेचर किसके एनालॉग होता है? तो ये होता है हमारा वोल्टेज के एनालॉग रहता है। ओके, चार्ज रहता है हीट फ्लो के एनालॉग रहेगा, चार्ज हीट फ्लो करंट, हीट फ्लो रेट। ओके, वोल्टेज टेम्परेचर के रेजिस्टेंस रहता, रेजिस्टेंस के कैपेसिटेंस के रहेगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी की ओर चलते हैं। ये इसके एनालॉग रहते हैं। ओके, क्या है देख लो, इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम में और थर्मल सिस्टम में चार्ज रहता है हीट, जिसे हीट फ्लो रहता है, उसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, और करंट आई रहता है जो हीट फ्लो रेट रहता है नहीं, हीट फ्लो रेट रहेगा, वोल्टेज वी टेम्परेचर रहता है सी में, रेजिस्टेंस ओम में रहता है, ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस जूल में रहेगा बटे वाट रहेगा, कैपेसिटेंस एफ एंड कैपेसिटेंस जे बटे सी डिग्री सेल्सियस। थर्मल एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम एनालॉग में टेम्परेचर वोल्टेज के एनालॉग होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए द थर्मल नॉइस इज ड्यू टू रेंडम, खालिस्तान के कारण तापीय स्वर होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? मोशन ऑफ आइटम एंड मोलिकुलर, और सेकेंड वाइब्रेशन ऑफ आइटम अबाउट देयर मेन पोजिशन इनसाइड द कंडक्टिंग मीडियम, चालक के मध्य के अंदर परमाणु को अपने संस्थाओं के इधर उधर वो स्वच्छंद कंपन है। ओके, इसके हम थ्योरी को देखते हैं। जैसे ये हमारे पास थ्योरी है, इसमें देखें मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण तापीय स्वर होता है, इलेक्ट्रॉन के नियम पूर्वक रैंडम गति के कारण किसी भी प्रतिरोध में उत्पन्न स्वर थर्मल स्वर या वाइट स्वर या जॉनसन स्वर कहा जाता है। तापीय स्वर का विश्लेषण काइनेटिक सिद्धांत पर आधारित है, यह दर्शाता है कि कणों का तापमान अपनी आंतरिक गति ऊर्जा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पदार्थ के अपवर्तन इंडेक्स लगभग खालिस्तान के बराबर होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बराबर में। ओके, इसके बराबर में होता है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये इसकी थ्योरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट बीम्स ऑफ, विद्युत क्षेत्र खालिस्तान को डिफ्लेक्ट करता है। तो यह होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों को करेगा, तो ये न्यूट्रॉन को नहीं करेगा। तो हमारा डी वाला फर्स्ट में डी वाला प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, इसकी हम थ्योरी देखते हैं। ये है हमारे पास
इसकी थ्योरी। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बी कंफाइंड टू ए न्यूक्लियर इट्स स्पीड रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट वुड हैव टू बी। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर में कंफाइल करने के लिए इनकी संबंधित गति प्रकाश की गति से होती है, खालिस्तान होते हैं, इक्वल कम ग्रेटर या इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास होती है ग्रेटर रहती हैं। ओके प्रकाश की गति से अधिक रहती हैं। ओके संबंधित गति प्रकाश की गति से अधिक होती हैं। ठीक है अब हम इसका थ्योरी देखते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर में कंफाइल करने के लिए संबंधित गति प्रकाश की गति से अधिक होती हैं। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए ये है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ हैज वैल्यू ऑफ, क्या है कूलम का नियम पहले देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू बटे डी स्क्वायर में रहेगा। अगर हम इसे हटा देंगे तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, के क्यू वन क्यू टू बटे डी स्क्वायर लिखेंगे। ओके अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। जैसे कि के बराबर होता है हमारा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। यदि हम इसका मान रखते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो का 8.854 इंटू 10^-12 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9×10^9। ओके तो ये कहाँ हमारा इसका आंसर, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके ये डी वाला आंसर राइट होगा। हाँ ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते पहले, ये हमारे पास कूलम का नियम दिया है फर्स्ट में और ये हमारा आंसर आ, देखें यह है कूलम का नियम, इसके समानुपाती और इसको हटाएंगे तो हमारा ये कांस्टेंट आ गया। इसका मान रहता है कांस्टेंट का मान ये रहेगा हमारा, इसको मान रखें हम और जब इसकी वैल्यू को पुट करें और इसको हम काटेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए क्या पूछा है, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल, ओम का नियम लागू होता है किसमें रहता है, रेजिस्टेंस में, हाँ होता है रिएक्टिव सर्किट में भी होता है। तो हमारे पास आंसर कौन सा, बट दोनों रिएक्टिव और इसको राइट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम रहता है हमारा, ओम के नियम डायरेक्ट समानुपाती करंट रहता है, करंट वोल्टेज के समानुपाती में होता है। ओके ओम के नियम में एक कंडीशन रहती है, टेम्परेचर कहाँ रहना चाहिए, टेम्परेचर कैसा कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए हमारा। ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं इसका, जैसे इसमें ये थ्योरी दी है देखें, ओम का नियम प्रतिरोध परिपथ में और प्रतिक्रिया परिपथ में लागू होता है। ओम का नियम तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थिति में किसी बिंदु पर विद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाला विभांतर उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अनुक्रमानुपाती होता है और यह वोल्टेज के डायरेक्टली समानुपाती होता है। ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल पर कूलम इज द यूनिट, जूल पर कूलम इकाई है। ये जूल पर कूलम क्या रहता है, वोल्ट बराबर जूल पर कूलम होता है, इसके बराबर में जूल पर एम्पियर सेकेंड भी होता है। ओके तो हमारे पास ये वोल्टेज की इकाई है, किसके हैं, पोटेंशियल की इकाई है, हमारे पास बी आंसर राइट हो जाएगा। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ये हमारे पास दिया है इसका थ्योरी दी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए क्या पूछ रहा है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास एम के जी एंड चार्ज ई कूलम ट्रेवल फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट, इट हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान एम और आवेश ई कूलम है
शांत अवस्था में अभ्यंतर भी वोल्ट में गमन करता है। इसकी गतित ऊर्जा होगी, तो गतित ऊर्जा क्या होगी, देखें इसकी गतित ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे हैं एम वी स्क्वायर है, तो इसे हम ई वी लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा ई वी जूल रहेगा। ओके, ई वी जूल का है, ई वी जूल हमारे पास सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। देख ये हमारे पास है, ये हमारे पास ये है किया गया कार्य, किया गया कार्य गतित ऊर्जा के रूप में संचित है ये वाला। ओके, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें पूछा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 120 कूलम्स थ्रू ए 5 वोल्ट इस, है ना, क्या है 120 कूलम आवेश को 5 वोल्ट से गुजारने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो क्या रहेगा, वोल्टेज बराबर रहता है जूल पर कूलम होता है। हमारे पास मान क्या क्या है, वो 120 कूलम और वोल्टेज 5 बराबर, ये कार्य आ जाएगा। इसमें गुना करेंगे 5 का 0 में तो 0, 5 दूनी 10 का 0, 81 5 एकम 5 और 1 600 जूल हो जाएगा, ये 600 जूल बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम इसका आगे हम बढ़ते हैं, तो इसकी थ्योरी जैसे ये दी हमारी, ओके इसकी थ्योरी में ये हमारे पास है और क्यू का मान और वोल्टेज का मान दिया है, दोनों में गुना करें हमारा ये राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखें इसमें क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट ऑफ, विभांतर की इकाई है। आपको मैं बताया था पहले भी, ये वाला है विभांतर, ये कूलम होता है, ये ऊपर ही दिया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इसका क्या है, जूल पर कूलम हो जाएगा। ओके, विभांतर की इकाई जूल पर कूलम हमारे दी है क्या, अगर ये दी नहीं है तो हमारा नॉन ऑफ दी जा जाएगा, इसमें नहीं दी है तो ये आ जाएगा। ओके, क्यू का मान होता है जूल पर एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, ये भी नहीं है ऑप्शन हमारे पास, तो हमारा नॉन ऑफ दी जो आवेश का कूलम रहता है और एम्पियर सेकेंड भी, और जूल पर सेकेंड रहती है ये, या वाट में रहती है, एनर्जी किलो वाट में रहेगी। ओके, अब हम आगे इसकी थ्योरी को देखते हैं। यह थ्योरी, इसको हम देख लेते हैं, जैसे कि ये हमें विभांतर की इकाई वोल्ट होते हैं, विभांतर वह वोल्ट है जो परिपथ में धारा प्रवाह करने के लिए आवश्यक है, अर्थात किसी चालक में विद्युत आवेश एक दूसरे से सिरे तक ले जाने के लिए किया गया कार्य आवेश की मात्रा के अनुपात में चालक के सिरों के बीच विभांतर कहलाते हैं, ऊर्जा बटे आवेश जूल पर कूलम या वोल्ट। ओके ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, 1 वाट आवर कंटेंस जूल, 1 वाट आवर्स में खालिस्तान जूल होते हैं, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, 1 वाट आवर्स में क्या रहता है, 1 जूल पर सेकेंड गुणित 60 गुणित 60 रहेगा, तो ये हमारा कितना रहेगा, 1 जूल, तो 3600 जूल हो जाएगा ये। ओके, 3600 को हम इसको लेंगे तो पॉइंट में 3.6 इंटू 10^3 हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास 2 जीरो था और ये 1 ले लेंगे तो हमारा जूल में आ जाएगा। ओके ठीक है, अब हम इसको कर थ्योरी देखते हैं इसका। ये हमारे पास थ्योरी है इसकी, क्या है, 1 हर्ज़ आवर इसके जूल बराबर में रहेगा। ओके, 1 वाट आवर बराबर 1 जूल पर सेकेंड निकाला हमने, तो ये आ जाएगा, जूल पर सेकेंड बराबर वाट हो जाएगा। ओके, अभी ये हमारे 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जैसे
हमारे पास ये सेकंड पार्ट था और हमने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। देखो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा रिपीटेड है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यू भी क्वेश्चन मिले हमें। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ बने रहिए ताकि हम जितना भी शुरू किए हैं वो अंत तक इस हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ ख़त्म करें। एक क्वेश्चन चाहे कितनी बार भी आया हो उसका हम पढ़ेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता फ्रेंड्स। जैसे आने वाले एग्ज़ाम है MPJEE में, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है, और आप लोग सिलेक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये बुक है। यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा और रिजल्ट भी आपका अच्छा ही पॉजिटिव ही आएगा। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी आप लोग हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों को और भी मोटिवेट होकर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। यदि हमारा कुछ पढ़ाने का तरीका और कुछ जो भी कमी है तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए ताकि और भी हम उसमें इम्प्रूव कर सकें और उन्हें हम अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे समझा पाए। हमारे पास सीमित साधन है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, है ना फ्रेंड। और जैसे भी इलेक्ट्रिकल से आप लोगों के फ्रेंड होंगे या आपके कोई बैचमेन होंगे उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए और उन्हें भी जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ पढ़ सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप और वेट कीजिए। जो भी डाउट है वो कमेंट में दीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये बताइए, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स वीडियो देखने के लिए।